जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में, जहां हम आपके समक्ष रोजाना लेकर के हाजिर होते हैं आज का पंचांग और आज का राशिफल। क्या है आज का पंचांग, क्या होगा राहुकाल और गोलिक काल का समय, किन बातों का रखना होगा आपको ध्यान और किस मोड़ पर आपको रहना होगा विशेष सावधान, वो बात करेंगे आज के राशिफल की। कैसा बीतेगा आज का आपका दिन, उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपको बता दें आगामी 3, 4 और 5 सितंबर जयपुर में रहेंगे। जो लोग जयपुर से हैं, जयपुर के आसपास से हैं, वो लोग मुलाकात कर सकते हैं, मिलने के लिए उनके पास बहुत अच्छा अवसर है 3, 4 और 5। लेकिन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही अपॉइंटमेंट मिल पाएगा, बहुत सारे अपॉइंटमेंट ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं, तो आप देर ना करें, फटाफट से हमारे कार्यालय का जो दिया गया नंबर है नीचे उस पर फोन करें और अपना अपॉइंटमेंट जरूर फिक्स करा लें। एक ही नंबर है हमारा ऑफिशियल, 9667423193। इस नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट आप जल्दी से जल्दी फिक्स करा लें। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। भाग्य दर्पण उम्मीद की एक किरण। सर्वप्रथम बात करेंगे आज के पंचांग की। दिनांक 28 अगस्त 2021, दिन शनिवार, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम 8:59 तक, तदुपरांत सप्तमी तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे। नक्षत्र भरणी रात 3:35 तक, तदुपरांत कृतिका नक्षत्र रहेगा। योग ध्रुव पूर्ण रात्रि तक। राहु काल सुबह 9:09 से सुबह 10:45 तक और गोलिक काल का समय रहेगा सुबह 5:56 से सुबह 7:33 तक। राहु काल बेहद ही अशुभ समय होता है, कोई शुभ कार्य इस समय पर नहीं करना है, और गोलिक काल का समय बहुत शुभ समय होता है, कोई भी नया शुभ कार्य इस समय पर आप कर सकते हैं। ये थी बात आज के पंचांग की। अब बात करेंगे आज के राशिफल की, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसा बीतेगा आपका आज का दिन। आइए शुरुआत करते हैं। मेष राशि, छात्र शिक्षा के क्षेत्र में चमकेंगे और नवीन तरीकों से समस्याओं को सुलझाने की अपनी विशेष प्रतिभा के लिए पहचान हासिल करेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में आप प्रशंसा प्राप्त करेंगे, अच्छा उत्थान या फिर पदोन्नति यानी प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं। आपकी लोकप्रियता बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। आमदनी बढ़ेगी, खर्चे घटेंगे आज मेष राशि वालों के। बचत आपके आत्मविश्वास स्तर को बढ़ावा देगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यानी पारिवारिक जीवन आरामदायक और सुखद रहेगा। जीवन साथी बहुत प्यार से आज आपके साथ डील करेंगे और आपकी देखभाल करेंगे, बहुत केयर करेंगे। मेष राशि वालों को आज की सलाह, कहीं से अच्छे समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं जो भविष्य की दृष्टि से बहुत लाभान्वित रहेंगे। जो भी साझेदारी करें, कागजी कार्यवाही को आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें, बहुत सावधानी से करें। शुभ रंग आपके लिए होगा ग्रे और शुभ अंक होगा 8। वृषभ राशि, किस्मत आपके साथ रहेगी आज, रुके हुए कार्य समय से पूरे हो सकते हैं। जो काम आप काफी समय से करने की सोच रहे हैं आज उम्मीद है कि वो हो जाएंगे। किसी फालतू के अनचाही परेशानी से आज आपको छुटकारा मिल सकता है। इनकम बढ़ती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं बहुत उलझी हुई जो परिस्थितियां हैं, बहुत उलझे हुए जो आपके कार्य काफी समय से रुके हुए हैं, वो सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेमी के साथ संबंध अच्छा रहेगा क्योंकि आप उनकी जरूरतों का विशेष ध्यान आज रखेंगे। कहीं धार्मिक स्थान पर दर्शन करने जाएं तो बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वालों को आज की सलाह, आज का दिन काम का बोझ थोड़ा सा आपको थका देगा। घर का भी काम बहुत होगा, ऑफिशियल काम भी बहुत होगा, थोड़ा संयम रखें, पेशेंस से काम करें, तभी आप अपने कार्यों को समय से कंप्लीट कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। शुभ रंग आपके लिए होगा मैरून और शुभ अंक होगा 6। मिथुन राशि, करियर में आज आपको सफलता मिल सकती है, वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, बिजनेस के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, मन खुश रहेगा। नई टेक्निक से, नई तकनीकी से आपको काफी लाभ हो सकता है, इसलिए अपने व्यवसाय में आप कोई नई तकनीकी अपनाएं तो बेहतर रहेगा। दोस्तों से आज अपनी बातें शेयर करें, दिल हल्का होगा। शनिवार का दिन खुद में बदलाव लाने के लिए अच्छा है, आपको आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं बनानी पड़ सकती हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कारोबार में बढ़ोतरी होगी। मिथुन राशि वालों को आज की सलाह, दोपहर के समय पेट से संबंधित समस्या रह सकती है, मानसिक तनाव बना रहेगा, इसलिए अपना ध्यान रखें, डॉक्टर को दिखाएं, बेहतर रहेगा, लापरवाही न करें। शुभ रंग आपके लिए होगा आसमानी और शुभ अंक होगा 7। कर्क राशि, ऑफिस में आपके जो बॉस हैं, जो उच्च पदाधिकारी हैं, वो आपके काम की सराहना करेंगे और वो आपके प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे, आपकी शोहरत बढ़ेगी, आसानी से दूसरे लोग आज आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे।
हालांकि नशीले पदार्थों से दूरी बना करके रखें, काफी नुकसान हो सकता है आज आपका। देर रात में वाहन ना चलाएं। दीर्घ अवधि की अगर मैं बात करूं तो कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद होगी। आपको अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहने की बहुत जरूरत है। कर्क राशि वालों को आज की सलाह, अपने पिता या भाई में से किसी एक के साथ अवरोध उत्पन्न हो सकता है। मन में किसी बात को लेकर आशंका रहेगी जिसका निवारण जल्दी होता हुआ नहीं दिख रहा है। शुभ रंग होगा आपके लिए संतरी और शुभ अंक होगा 4। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी वाला हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय मुश्किल भरा हो सकता है। आर्थिक पक्ष में गिरावट संभव है। अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ा चिंतित रहेंगे आज आप। कोशिश करें चिकित्सीय देखरेख की उन्हें विशेष आवश्यकता है तो किसी डॉक्टर को अपने जीवन साथी को आज आप जरूर दिखा लें। समय पर आपकी सहायता किसी को बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अपने प्रिय का साथ आज, अपने पार्टनर के साथ आज अच्छी तरह से बर्ताव करें। झूठे शान शौकत ना बनाएं। प्रेम संबंध में तनातनी का माहौल रहेगा। सिंह राशि वालों को आज की सलाह, जमीन या शेयर में निवेश करने का विचार कर सकते हैं। पैसा पहले से कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो सावधान रहें, किसी पर फालतू भरोसा न करें, नुकसान हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए होगा हरा और शुभ अंक होगा 2। कन्या राशि, परेशान लोगों को आज कुछ राहत मिल सकती है। धन की बचत करने में सफल रहेंगे। अपनी कोशिशों के दम पर सही समय पर सही जगह आप मौजूद रहेंगे और इससे आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। शादी लायक लोगों को आज ऑफर मिल सकते हैं। लोग आज आपकी सलाह मानेंगे, थोड़ा संतुलित व्यवहार रखें बेहतर होगा। कन्या राशि वालों को आज की सलाह, ज्यादा उत्साह में रहने से बचें क्योंकि आज के दिन उसके कारण परेशानी खड़ी हो सकती है। शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 6। तुला राशि, आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे। ऑफिस में फालतू की राजनीति या फालतू की बहस में ना उलझे तो बेहतर रहेगा। समय खराब होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। घर में गेस्ट आ सकते हैं आज, जिससे थोड़ा खुशनुमा माहौल घर का रहेगा। ऑफिस का काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, हालांकि दोस्तों के साथ समय बिताएं तो बेहतर होगा आज। किसी नए विषय पर भी बातचीत दोस्तों से अगर करें तो भविष्य के लिए अच्छी रहेगी। गणेश जी की आरती करें, दिन बेहतर गुजरेगा। तुला राशि वालों को आज की सलाह, प्रेम में किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा कोई थर्ड पर्सन आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ में फालतू का रोड़ा डाल सकता है। विशेष सावधान रहना है और किसी की बातों में ना आए, दोनों पार्टनर्स के लिए सलाह है। शुभ रंग होगा स्लेटी और शुभ अंक होगा 9। वृश्चिक राशि, आज आपकी मेहनत का अपेक्षित परिणाम आपको नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं काम में तत्परता और कुशलता आपकी प्रगति में सहायक होगी। अपने आप को निराश न करें। अगर आज लाभ नहीं भी मिले, मेहनत का फल ना भी मिले तो भविष्य में मिलेगा। कार्य संतोषजनक रूप से पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी आपकी सेहत के प्रति थोड़ा असंवेदनशील हो सकते हैं। थोड़े इमोशंस आपको हो सकता है लगे कि कम है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। आज आप अपने परिजनों से मिलने जाएं, मुलाकात काफी लंबे समय के बाद हो रही है तो और अच्छा रहेगा। बहुत खुशी आएंगी जीवन में। आकस्मिक कोई ना कोई यात्रा का योग बन सकता है। आर्थिक पक्ष अच्छा रहे। वृश्चिक राशि वालों को आज की सलाह, आज के दिन अपनी शिक्षा से संबंधित कोई गंभीर निर्णय कतई ना लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। माँ बाप या गुरुजनों से परामर्श लेकर ही कार्य करें। शुभ रंग होगा केसरी और शुभ अंक होगा 7। धनु राशि, स्टडी के प्रति, अध्ययन के प्रति आपके दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं बदलाव होता हुआ दिख रहा है। ध्यान केंद्रित करना आपके लिए बहुत जरूरी है इस समय। लापरवाही बिल्कुल ना करें। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी। कहीं ना कहीं आपके सामने विकल्प होंगे, लेकिन आप सही ऑप्शन का चुनाव करें। यह विशेष सावधान आपको इस जगह पर, इस मोमेंट पर रहना है कि कैसे आपको सही अपॉर्चुनिटी का चुनाव करना है, सही अवसर का चुनाव करना है। दूसरों पर निर्भर न रहें, खुद निर्णय लें तो बेहतर रहेगा। परिवार की कोई महिला सदस्य आपकी समस्याओं को कुछ हद तक सुलझाने में आपकी मदद कर सकती है। धनु राशि वालों को आज की सलाह, किसी प्रकार की पुरानी बीमारी से परेशान है तो तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, वरना परेशानियां भविष्य में बढ़ती हुई दिख रही हैं। शुभ रंग होगा नीला और शुभ अंक होगा 5। मकर राशि, घर पर ज्यादा समय देना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर परिवार के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ सकता है।
प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है, दिन भी अच्छा रहेगा, सुख मिलेगा, सोचे हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, आज सेहत भी अच्छी रहेगी। कोई ऐसी बात आज आपके सामने आ सकती है जिससे आपको भविष्य में होने वाले फायदे का संकेत आज दिखाई देगा। किसी भी मामले को गंभीर होकर निपटाएं, सीरियस रहें, थोड़ा हर चीज को हल्के में ना लें। टेंशन भी जल्दी खत्म होती हुई दिख रही है, मन में उत्साह रहेगा। मकर राशि वालों को आज की सलाह, कहीं जॉब करते हैं तो बॉस की नजर आप पर है, इसलिए मेहनत से काम करें, भविष्य में प्रमोशन के चांसेस बन रहे। शुभ रंग आपके लिए होगा पीला और शुभ अंक होगा 9। कुंभ राशि, करियर के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहें जो हर तरह से आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सगे संबंधी आर्थिक रूप से आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। बिजनेसमैन के लिए आज काफी सारे अवसर, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। इनफैक्ट परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, साथ ही घर के सदस्यों का सहयोग आपके साथ होगा। कोई जरूरी कार्य आज पूरा होता हुआ दिख रहा है, गायत्री मंत्र का पाठ करें, जीवन में लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। कुंभ राशि वालों को आज की सलाह, आज के दिन भगवान हनुमान जी का अवश्य ध्यान लगाएं, क्योंकि मंगल भारी है। घर में ही 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लेंगे तो भी संकट कम हो जाएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 3। मीन राशि, आज आपका या परिवार में किसी और का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मतभेद के चलते व्यक्तिगत संबंधों में दरार पड़ सकती है। यात्रा आपके लिए आनंददायक और बहुत फायदेमंद रहेगी। पारिवारिक जीवन में अब तक का सबसे सुनहरा पल आपको देखने के लिए अगले कुछ समय में मिल सकता है। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से दूर रहने की सलाह आज आपको विशेष रूप से दी जाती है। ध्यान और आध्यात्मिकता मन को शांति प्रदान करेंगे। गणपति जी का ध्यान करें, बहुत शांति मिलेगी। मेहनत करें, भाग्य जरूर बदलेगा। समय रहते कार्य पूरा करने का प्रयास करें, टाले ना कार्यों को। मीन राशि वालों को आज की सलाह, किसी काम को लेकर उलझन की स्थिति है तो आज उसमें परिवार को जरूर बताएं, अपने परिवार को उसमें शामिल करें, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। शुभ रंग आपके लिए होगा भूरा और शुभ अंक होगा 1। ये थी बात आज के राशिफल की, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसा बीतेगा आज का आपका दिन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत आभार आप सबका। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।